नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं समोसा। तो समोसा की रेसिपी पूजा यादव जी ने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी, तो आज हम उनका पूरा करने वाले हैं। तो चलिए समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये हमने मैदा लिया हुआ है, इसका हम डो तैयार कर लेंगे। और इसमें मिलाने के लिए हमने लिया है ये रिफाइंड ऑयल, अजवाइन लिया है और नमक स्वाद के अनुसार। इसको मिलाकर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। समोसे के स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने लिया है, ये हमने आलू लिया हुआ है, 10-12 आलू लिए हैं। इसको उबाल कर हमने इसका छिलका उतार कर रख लिया है। और ये हमने सफल मटर लिया हुआ है, ये हमने लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। और ये हमने काजू लिए हुए हैं, इसको हमने तोड़ कर रख लिया है। ये हमने पनीर लिया हुआ है, इसे हमने फ्राई कर लिया है। और ये हमने मूँगफली के दाने लिए हैं, इसे हमने तेल में भूज लिया है। और ये हमने अदरक का पेस्ट बना लिया है। और धनिया की पत्ती ली है, इसे हमने बारीक काट लिया है। और ये हमने हरी मिर्च ली है, इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। मसालों में हमने लिया हुआ है, ये हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, और ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, अमचूर पाउडर लिया हुआ है, और गरम मसाला लिया हुआ है। और ये हमने जीरा लिया हुआ है, इसको हमने हल्का सा भून कर इसे कूट कर रख लिया है। और ये हमने चाट मसाला लिया हुआ है। सबसे पहले हम समोसे का आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो और ये हमने अजवाइन ली है, इसको हम थोड़ा सा हाथों से रगड़कर इस मैदे में डालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। 3 से 4 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमें मैदे और रिफाइंड ऑयल को बहुत अच्छे से मिलाना है, इसे हाथों से रगड़ रगड़ कर अच्छे से मिलाना है, ताकि ये हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। हमें मैदे में इतना रिफाइंड ऑयल ज़रूर मिलाना है कि हमें बाद में इसको मिलाने के बाद ये एक तरह से मुट्ठी की तरह बंध जाए, तभी हमारा समोसा बहुत अच्छे से बनेगा और खस्ता समोसा बनेगा। अब हम इसमें पानी डालकर धीरे धीरे इसे गूँथना शुरू करते हैं। पानी हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालकर इसे गूँथना है। ये देखिए, हमने आटे को इकट्ठा कर लिया है। अब हम अपनी हथेली की सहायता से इसे गूंथेंगे। समोसे का आटा हम रोटी के आटे से थोड़ा टाइट ही तैयार करेंगे, तभी हमारे समोसे एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगे। हमें इस आटे को गूंथकर एकदम चिकना तैयार करना है। आटे को हमने गूंथकर तैयार कर लिया है, अब हम इसको ढककर रख देते हैं। इसके बाद हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब उबले हुए आलू को हाथों से तोड़कर रख लेते हैं। इसे बिल्कुल महीन हमें नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा दरदरा सा रहने देना है। इधर हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल और इसे डालकर हम गर्म करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को डालने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे कुछ देर के लिए भून लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भून लेने के बाद हम इसमें अब डाल देते हैं सफल मटर और इसे भी हम भून कर तैयार कर लेते हैं। हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और सफल मटर को अच्छी तरह से मिलाकर भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं इसमें हल्दी पाउडर और इसमें अब डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। और ये हमने गरम मसाला लिया है, इसे हम डाल देंगे। और ये हमने जीरा पाउडर जो हमने बनाकर तैयार किया था उसे इसमें डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं।
अब हमने मटर और मसालों को अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए आलू को। अब हमें यहाँ आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है और हम आलू में सारी चीज़ों को इस तरह से मिलाएंगे ताकि वो आलू में इस तरह समा जाएं कि स्टफिंग देखने में सुंदर लगे। हमें आलू में सारी चीज़ों को मिलाते हुए कुछ देर के लिए भूनना है। ये देखिए हमारी स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर और इसमें डाल देते हैं चाट मसाला और ये हमने काजू जो हमने तोड़ कर रखे थे उसे इसमें डाल देंगे और ये हमने पनीर लिया है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमने फ्राई किया है इसे इसमें डाल देंगे और ये हमने मूंगफली का दाना जो हमने तेल में भून कर अच्छे से रखा था उसे इसमें डाल देंगे। हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर रख लेंगे। घर पे हम समोसा तैयार कर रहे हैं। यदि हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो हम इसमें डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसमें सिर्फ आलू और मटर या जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसे इसमें डाल सकते हैं। अब हमारा समोसे का स्टफिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आटे को देख लेते हैं। तो आटे को हम अभी थोड़ी देर के लिए और इसको गूंथ लेंगे ताकि हमारा आटा बहुत अच्छे से तैयार हो। अब हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो एक हम लोई बना लेंगे। इसी तरह हम 3-4 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम लोई की एक चकई बना लेते हैं। चकई बनाने के बाद हम इसको एक रोटी की तरह बेलकर तैयार करेंगे। हमें इसे बिल्कुल पतला बेलकर तैयार नहीं करना है। हमने इसे एक रोटी की तरह बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको बीच में से एक चाकू की सहायता से कट करेंगे। अब जो आधा कटा हुआ भाग है उसे ले लेंगे। अब उसके किनारे पे कटे हुए भाग पे आधे दूर तक हम इसमें पानी लगा लेंगे और उसे एक कीप की तरह मोड़ देंगे। ये देखिए किस तरह से एक कीप की तरह हमने बना लिया है। अब इसमें चम्मच की सहायता से हम स्टफिंग को भरेंगे। जितना बड़ा समोसा है उसी आधार पर आप थोड़ा ज़्यादा कम या ज़्यादा स्टफिंग भर सकते हैं। अब हम इसके किनारों पर भी पानी लगा देंगे और इस तरह से मोड़ते हुए समोसे को बना लेंगे और थोड़ा दबा दबा कर हम इसे इस तरह से इसका शेप तैयार कर देंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालकर हम इसे गरम करेंगे।
तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं समोसे। समोसे को हमें गरम तेल में नहीं डालना है। समोसे के लिए हमें तेल इतना लेना है ताकि उसमें हमारा समोसा डूब सके। समोसे को हमें एक बराबर आँच में तलना है ताकि ये धीरे धीरे खस्ता बनकर बाजार जैसे समोसे बनकर तैयार हों। समोसे को हम उलट पलट देते हैं। अब हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल खस्ता समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम और भी जो समोसे हैं उसे भी तलकर निकालेंगे। अब ये समोसे भी हमारे तलकर तैयार हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। समोसे हमारे बनकर अब तैयार हो चुके हैं। आप इसे तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ और सॉस के साथ खा सकते हैं। यदि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।